हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट अचीवर्स। और मैं आज आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन का एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको बहुत क्विक रिवीजन टाइप का मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास ट्वेल्थ में जो है, और वो उससे एक क्वेश्चन भी आता है आपके जेई में, और करीब 10 से 12 नंबर का पेपर में क्वेश्चंस जो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड हैं, ये मान लीजिए कि 5 से 6 नंबर का आपका सीबीएसई बोर्ड में भी इससे रिलेटेड आता ही आता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, एक शॉर्ट आंसर आता है और एक लॉन्ग आंसर आता है। तो इस वीडियो को ज़रूर गौर से देखें और इसमें आपको एक क्विक रिवीजन भी मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं इससे रिलेटेड जितने भी 2024 में आए हुए PVIQs हैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा, और बोर्ड में आए हुए लास्ट 2 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको एक समराइज वीडियो मिल जाए। तो इस तरीके से ये एक शॉर्ट वीडियो है और आप इसको देखिए और क्विक रिवीजन कीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, किस तरीके से, कितने टाइप की होती है, आपके सिलेबस के कितना कौन से क्या आता है, क्या पार्ट है उसका, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है क्या है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन यानी यहाँ पर आपको वन डिपेंडेंट वेरिएबल मिल जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में वन डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन योर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब यह हुआ कि जो वेरिएबल डिपेंड करे, जैसे वाई डिपेंड करता है, वाई इक्वल्स टू एफएक्स है, तो वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे, और एक्स यहाँ का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इससे बनने वाली जो इक्वेशंस होंगी वही हमारी क्या होंगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो जाएंगी, वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस हो जाएंगी। जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, आपने जैसे वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स ले लिया, उसको आपने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स है, फिर सेकेंड टाइम करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू ई की पावर एक्स है। तो ये ई की पावर एक्स अपने का जो है ये वाई के इक्वल्स, यानी कि y इक्वल्स टू, जब आपने e की पावर x लिया, y इक्वल्स टू e की पावर x जब आप लोगे, y इक्वल्स टू e की पावर x जब आप लोगे, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आपका e की पावर x आ जाएगा, ठीक है। तो अब e की पावर x से क्या आप y रख सकते हो, ठीक है। फिर अगेन करेंगे तो d2y टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू e की पावर x, यानी इसको आप y से करो, इसको भी आप y से। तो एक प्रकार की इक्वेशन बन जाएगी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्व माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, तो ये एक इक्वेशन हो गई। वैसे ही सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से डी टू वाई बाई डी एक्स, जैसे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो उस तरीके के डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी डी वाई बाई डी एक्स जो डिफरेंशियल डेरिवेटिव का जो ऑड ये ऑपरेशन हो रहा है डी बाई डी एक्स का, उससे एक इक्वेशन बनेगी। उसी टाइप की इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो डिफरेंशियल, जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टू, तो एक इक्वेशन की फॉर्म बन गई। तो इसी टाइप के फॉर्म को ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इनको इनके अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं, इन्हीं आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ट्वेल्थ लेवल में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ही क्वेश्चन आएगी। तो पहले तो आप ये समझिए कि ऑर्डर और डिग्री क्या है और इनको किस तरीके से, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स भी पता होने चाहिए कि किस टाइप के। जैसे एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी आपकी होगी पार्शियल डिफरेंस। तो पार्शियल से आपसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, तो पार्शियल आपको पढ़ना भी नहीं है, आपको पढ़नी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि व्हाट इज़ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और वो किस ऑर्डर में। आपके सिलेबस का पार्ट फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, तो उससे क्या क्या मेथड्स निकलेंगे, कितने मेथड्स हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने के, और जो मेथड्स सिलेबस के पार्ट में चाहे जेई के इसमें और जो एडवांस में भी होंगे, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस को करना होगा। तो फिलहाल अभी हम एग्जांपल देख लिए हैं, अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देर आर टू टाइप ऑफ डिफरेंट, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, दूसरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियल में ऑर्डिनरी तो यही हो गई जो आपकी डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में आएगी, ठीक है, ये तो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। बाकी पार्शियल क्या होता है, इज डिपेंड ऑन वन एंड मोर वेरिएबल। जब
जब कोई भी फंक्शंस जो हो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पर भी एक वेरिएबल का एक से डिपेंडेंसी, यहाँ पर जब एक से ज़्यादा हो जाएगा तो पार्शियल में एक से ज़्यादा, वन और मोर के लिए होगा, वन और मोर पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर सिंगल डिपेंडेंसी होगी, यानी y इक्वल्स टू fx होगा, यानी y केवल x पर डिपेंड करता है, जबकि यहाँ पर y x y z कितने भी, वन से मोर, एक से अधिक कितने भी होंगे, वहाँ पार्शियल होता, वहाँ पर यूज़ करते हैं हम डेल्टा या डेवर, इसको बोलते हैं डेवर y बाय डेवर x, इस टाइप का है डेवर x, ठीक है। तो ये पार्शियली, तो इसका अभी आपको यूज़ नहीं है। तो पार्शियल डेरिवेटिव में जो दूसरा वेरिएबल होता है वो एज ए कॉन्स्टेंट काम करता है, तो हम एक अलग अलग कॉन्स्टेंट लेकर उसको सॉल्व कराते हैं, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव का पार्ट हो गया। तो पार्शियल डेरिवेटिव अभी हमें पढ़ना नहीं है, हम ऑर्डिनरी पे बात करते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज टू कंटेन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो मेरे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट, यहाँ पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जबकि पार्शियल में एक से अधिक हो सकते हैं, तो वहाँ पर पार्शियल लगेगा। तो वन और मोर यानी पार्शियल है, एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही लगेगा, यानी कि यहाँ जो वाई है, वाई के लिए एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये केवल वाई एक्स पर ही डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जो है एक्स पर ही डिपेंड कर रहा है, जबकि पार्शियल में क्या हो जाएगा, वाई इज ए फंक्शन ऑफ, यहाँ एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, एंड सो ऑन टी तक कुछ भी हो सकता है, कितने भी वन और मोर कोई भी कितने भी वेरिएबल हो जाएंगे, तो वहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ होगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी यहाँ पर वन इंडिपेंडेंट, तो जहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है सीबीएसई बोर्ड में कि कितने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए कितने वेरिएबल्स की, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है, तो अब आंसर ऑप्शन होगा वन, ठीक है, तो आप वन लगा सकते हो। तो x dy by dx plus 3y equals to 0, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म हो गई आपकी, ठीक है, ये हो गई। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, अभी मैं ऑर्डर और डिग्री बताऊंगा, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है, ये सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है, तो इस तरीके से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस को होती है। ऑर्डर क्या है, तो द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी हाइएस्ट, आपको D की पावर देखनी है, D की जो हाईएस्ट पावर है वही हमारा है, बाकी सब भूल जाए कहीं पर भी कितनी पावर लगी, जैसे कि डी टू वाई डी एक्स टू लिखा है, तो आपको इस D को देखना है, डेरिवेटिव की पावर को देखना है, और उस पूरी इक्वेशन में जिसमें हाईएस्ट पावर लगी होगी D पर, वही आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो ये ऑर्डर की बात है, जैसे एज एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स 3 बाई टू एक्स स्क्वायर, देखिए इसमें पहले ही उसने क्या कह दिया है, फ्रैक्शन को पार्ट दे दिया है। अभी हम जनरली इसकी बात कर लें, जैसे मान लीजिए कि ये दे रखा है dy वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर 4 इक्वल्स टू एक्स, अब पूछ रहा है इसका ऑर्डर क्या है, तो आपको y की पर नहीं देखना कि y की पावर 4 लगा है तो हमारा ऑर्डर, नहीं, केवल आप d की पावर को देखेंगे, यहाँ पर d की पावर क्या है, 1 है, तो यही इसका ऑर्डर हो जाएगा, दिस इज द इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की, तो इस टाइप में क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चनों में जैसे कि ये आपको दे रखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर और डिग्री की बात है, तो यहाँ ऑर्डर, तो यहाँ डी की पावर ही देखेंगे हम, इससे मतलब नहीं कि फ्रैक्शन, पहले तो जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन उनको फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन करना है, फ्री फ्रॉम आपको फ्रैक्शन करना है, वो एक इंटीजर के फॉर्म में ही होगी, ध्यान रखिए आपको फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन पार्ट में करना है। तो यहाँ पर आप क्या करें कि दोनों तरह अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये फ्री फ्रॉम फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, जैसे फ्री फ्रॉम हो जाएगा तो ये डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 और ये बन जाएगा एक्स की पावर 4। वैसे यहाँ ऑर्डर निकालने के लिए हमें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑर्डर में तो हमें केवल डिफरेंशियल ऑपरेटर की डिग्री देखनी है, पावर देखनी होती है, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर की जो पावर है यहाँ पे 1 ही है, तो ये इसका मतलब है इसका ऑर्डर 1 होगा, इसका ऑर्डर आपका 1 हो जाएगा, तो इसमें हमें को और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो केवल डी की पावर को देखना है हमें, डी की पावर डिग्री के लिए, हाँ हम फ्रैक्शन को हटाते हैं। तो अगला देख लेते हैं, अगला टॉपिक द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर आपसे पूछ रहा है, तो ऑर्डर आपसे किसका पूछ रहा है, इस इक्वेशन का ऑर्डर पूछ रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर होल क्यूब प्लस 5 बहुत कुछ लिखा हुआ है, उस पर नहीं, केवल आप इस पर देखिए कि d हमारे
इस ऑपरेटर जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसमें कितनी पावर लगी, तो यहाँ पर पावर 2 लगी, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 2 होगा। क्योंकि पावर डी पर लगी है इसलिए इसका ऑर्डर 2 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होगा जिस ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर की पावर मैक्सिमम होगी, उसकी होल पावर देखेंगे, उस पूरे डेरिवेटिव की होल पावर, वही हमारी डिग्री कहलाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपको दे रखा है कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, इस टाइप का कुछ लिख दिया है, कोई सिक्वेंस नहीं कुछ नहीं। आपको क्या देखना है कि डी की मैक्सिमम पावर कहाँ है, तो यहाँ डी की मैक्सिमम पावर 2 पर, तो इसका ऑर्डर तो 2 हो गया, उसमें तो हमें कोई बात ही नहीं करनी कि इसका ऑर्डर 2 है। लेकिन जब हम डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री क्या होगी, इसका जो होल पावर होगा, इसका होल पावर, ना कि हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर उसने पावर 3 लगा दिया होता तो आप ये ना कहते कि इसकी डिग्री, तो इसका जो होल पावर होगा, तो इसका होल पावर क्या है 2, तो इसकी यही डिग्री हो जाएगी, डिग्री इज 2। तो मैक्सिमम डिफरेंशियल ऑपरेटर का जो मैक्सिमम डिफरेंशियल ऑपरेटर, उसका होल पावर देखेंगे हम, डिफरेंट डेरिवेटिव का हम होल पावर देखेंगे, तो होल पावर इसका क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो डिग्री इसकी 2 हो जाएगी ये कह रहा है वो। तो क्या होगा, द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन द इक्वेशन हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल इन द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ एलिमेंट रेडिकल एंड फ्रैक्शन पावर। तो रेडिकल और फ्रैक्शन पावर से तो पहले हमको उसको फ्री करना होगा, कहीं पर भी रेडिकल एंड फ्रैक्शन पावर होगी तो उसको हमको उसको फ्री कर देना होगा। जब हम उसको फ्री कर देंगे तब जा उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी तब उसमें डी को देखेंगे। देखिए ऑर्डर चेंज नहीं होने वाला, जिसका डिस डी का ग्रेटर में है तो बस उसी का ही उसी में डिग्री निकलेगी। अब डिग्री क्या हो सकती है, डिफाइंड भी हो सकती है, नॉट डिफाइंड भी। अगर पॉलीनोमियल, यहाँ इसीलिए वर्ड यूज़ किया गया है पॉलीनोमियल, द इक्वेशन हैज द कैन बी एक्सप्लेन द फॉर्म द पॉलीनोमियल, ये देखिए वर्ड पॉलीनोमियल, अगर आपका पॉलीनोमियल की फॉर्म में है तो आप ये समझ लीजिए कि तभी डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर पॉलीनोमियल की फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। तो सबसे पहले दो चीज़ें चेक करनी, फ्रैक्शन और रेडिकल फॉर्म में ना हो, दूसरा उस वो पॉलीनोमियल होनी चाहिए, तभी डिग्री आपकी डिफाइंड होगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। एग्जाम्पल में देखते हैं, तो कह रहा था ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, इसका ऑर्डर तो 1 है। ठीक है, इसका ऑर्डर 1 होगा, इस 3 इसका ऑर्डर पूछ रहा है, द ऑर्डर ऑफ दिस, ऑर्डर नहीं यहाँ डिग्री लिखा होना चाहिए, इसकी डिग्री आपसे पूछ रहा है, नहीं ऑर्डर डिग्री पूछ रहा है, इसकी आपसे डिग्री पूछ रहा है, ये डिग्री होगा, इसकी डिग्री क्या होगी, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर रेडिकल पावर लगी हुई है, अगर रेडिकल पावर को पहले हम फ्री करेंगे, ऑर्डर तो इसका 2 होगा, पर डिग्री कैसे निकालेंगे, इसकी रेडिकल पावर को हम क्यूब करेंगे, तो जैसे ही और यहाँ पर भी देखिए डिग्री क्या होगी, यहाँ डिग्री 1 होगी, इसकी पावर, यहाँ कोई रेडिकल पावर नहीं है, ना ही कोई फ्रैक्शन पावर है, तो इसकी डिग्री तो 1 ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में को पहले फ्री करेंगे, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन, तो ये 5/3 लिखा है, तो क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब कर देंगे। जैसे बोथ साइड आप क्यूब करेंगे तो ये फ्रैक्शन से कट जाएगा, अगर ये फ्रैक्शन से कट जाएगा तो यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है जिसका ऑपरेटर की पावर 2 है, तो ऑर्डर तो 2 हो गया, लेकिन होल क्यूब होने की वजह से इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हमारी 3 हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब कह रहे थे डिग्री ऑफ द सम डिफरेंशियल मे नॉट बी, जो अगर वो पॉलीनोमियल के फॉर्म में नहीं होगा तो डिग्री नहीं डिफाइंड होगी। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि ये इज नॉट डिफाइंड सिंस द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द पॉलीनोमियल। क्यों नहीं पॉलीनोमियल के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ देखिए e की पावर dy/dx दे रखा है, तो ये एक पॉलीनोमियल की फॉर्म नहीं है, तो इसकी डिग्री हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। हाँ ऑर्डर डिफाइंड हो सकता है, ऑर्डर इसका 1 है, पर डिग्री इसकी डिफाइंड नहीं होगी, तो डिग्री इसकी हमको नहीं पता है, क्योंकि ये पॉलीनोमियल की फॉर्म नहीं बना रहा है,
इसलिए इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। ऐसे ही मान लीजिए साइन डी वाई बाई डी एक्स करके लिखा हो या कॉस डी वाई बाई, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कॉस डी वाई बाई डी एक्स करके किसी भी क्वेश्चन मिल जाए तो उसका आंसर डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, नॉट डिफाइंड डिग्री होगी। द ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड, तो द ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका मतलब है वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। डेरिवेटिव ऑपरेटर क्या होगा, वही उसका ऑर्डर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड आंसर सही होगा, ऑर्डर ऑफ डी, ये भी याद में पढ़ा। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछ रहा है तो इसका सीधा सीधा ऑर्डर कितना हो जाएगा, थ्री। इसका ऑर्डर आपका क्या होगा, थ्री होगा, यही करेक्ट आंसर होगा, इसका ऑर्डर थ्री हो जाएगा, ठीक है। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी फोर वाई डी एक्स फोर डी वाई वाई डी एक्स, तो देखिए इसका डिग्री क्या होगी, इसकी हाईएस्ट ऑर्डर ऑर्डर फोर है और डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, वन। तो डिग्री इसकी जो होगी बेटा वो वन हो जाएगी, क्योंकि जो मैक्सिमम ऑपरेटर होता है उसका होल पावर देखते हैं तो इसकी डिग्री वन आ जाएगी। अब इसके बाद आता है फॉर्मुलेशन एंड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मुलेशन कैसे होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का और फिर उसका सोल्यूशन किस तरह निकालेंगे ये हम आपको बताते हैं। तो फॉर्मुलेशन पहले कर लेते हैं, द फॉर्मुलेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें क्या होगा, एन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द ऑप्टेन व्हेन वी एलिमिनेट आर्बिट, जो भी कांस्टेंट टर्म होंगे, जितने कांस्टेंट टर्म होंगे उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, अगर एक कांस्टेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर, दो कांस्टेंट है तो सेकेंड ऑर्डर, तीन कांस्टेंट, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ही ऑर्डर की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। ये तो इसका जानने का तरीका है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बीन इक्वल टू द नंबर ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टू बीन एलिमिनेटेड, तो जितने भी नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे उन सबको आपको हटाना होगा और उसी से जो ऑर्डर बनेगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो ये सब दे रखा है कि कितने टाइप की आपकी ऑर्डर्स बनेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ इतने सारे आपको वो दे रखे हैं, इन्वॉल्विंग वेरिएबल एक्स एंड वाई एंड एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो यहाँ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं ये, ठीक है, और वेरिएबल है एक्स और वाई, तो इस टाइप का एक कोई फंक्शन है, ठीक है। इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन एन टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एन द एलिमिनेट द एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट द n प्लस वन रिलेशन, तो वी गेट एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन x 1 1 1 1 कहाँ तक जा रही है, y की पावर n तक जा रही है, यानी y डैश का मतलब है dy by dx, y डबल डैश का मतलब है डबल डैश है ये 11 नहीं लिखा हुआ है d2y by dx2 और y की पावर n dny और dnxy, तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, तो फॉर डिफरेंट वैल्यू, देखिए यहाँ पर कितने आपके पास हैं, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका मतलब है डी टू वाई बाई डी एक्स टू आपको मिलेगा, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ए ई की पावर टू एक्स अपॉन इंटू टू हो जाएगा, टू ए की पावर टू एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस टू ई की पावर माइनस टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा माइनस टू डी बी ई की पावर माइनस टू एक्स, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए ई की पावर टू एक्स हो जाएगा, फिर बी ई की पावर माइनस टू एक्स हो जाएगा, फिर माइनस टू एक्स का माइनस टू हो जाएगा, तो ये इक्वेशन ही, फिर इसको अगेन करेंगे, क्योंकि जब अगेन करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू दिस बनेगा फोर ए ई की पावर टू एक्स फोर बी ई की पावर टू एक्स, तो यहाँ से जैसे ही आप 4 कॉमन ले लेंगे तो ये चीज़ हमारी y के इक्वल आ जाएगी, जैसे ही आप 4 कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये बन जाएगा ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर माइनस 2x, यानी ये इक्वेशन हमारी 4y हो गई, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, इलिमिनेटेड ए एंड बी इक्वेशन देन द डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू 4y, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो इसी में ए कॉस एक्स टू कॉस एक्स को भी देखेंगे तो यहाँ पर भी दो हैं, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू फोर वाई की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वल्स टू
तो जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे इज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंस इज इक्वल्स टू ऑर्डर, तो ऑर्डर ही होगा उसका, डिग्री नंबर्स ऑफ टर्म इन द इक्वेशन या नंबर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो सीधा सीधा वही उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ही हो जाएगा। ठीक है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने ही ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग इतना बीइंग पैरामीटर इज, तो ऑर्डर क्या होगा, कितने कांस्टेंट है, एक दो और तीन, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या आएगा, थ्री आएगा, उसी का रिवर्स क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तो यही आपके क्रेवर्स का पास्ट है। अब इसके कितने टाइप के सोल्यूशन है, किस किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ये हम इसको देख लेते हैं। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री, यानी कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो इसकी बात कर रहा है, इसकी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। ठीक है, तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर फॉर्म में। तो इस कितने मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, वो आगे देखते हैं। तो ये चार तरीके के मेथड होते हैं, एक होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसमें क्या करते हैं, वाई को डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, तो वाई के टर्म्स को वाई के साथ लाएंगे और एक्स के टर्म को एक्स के साथ लाएंगे, तो वो हो जाती है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, ये पहला मेथड है। उसके बाद जो मेथड आता है आपका होमोजीनियस इक्वेशन, तो इसमें क्या करते हैं, जब हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो हम नहीं कर पाते हैं तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले तो हम ये चेक करें कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है कि नहीं। होमोजीनियस का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि इस किसी टाइप की इक्वेशन इस टाइप में लिखी हो कि वाई और एक्स को हम अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं, उसकी डिग्री ऑर्डर देख लेते हैं कि ऊपर का जो वेरिएबल जितनी डिग्री का है जितने ऑर्डर का है उतना ही नीचे का भी हो, वैसा ही पूरे इक्वेशन में हो, चाहे पूरी इक्वेशन कितनी भी लंबी लिखो, अगर सब टर्म बाय टर्म सबका ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब है वो होमोजीनियस इक्वेशन है। वो कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस, और जैसे होमोजीनियस होगी तो हम उसको रिड्यूस कर, तो जो भी इक्वेशन जब हम ये चेक कर लें तो फिर उसको रिड्यूस करके फिर हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका ए बी ए मेथड है, आगे चल के बताएंगे कि कैसे सॉल्व होगा। उसके बाद एक मेथड है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू टू होमोजीनियस फॉर्म, जब ये दोनों मेथड्स y इक्वल्स टू, यहाँ पर y इक्वल्स टू वी एक्स करके एक फॉर्म आती है उससे करते हैं, यहाँ y और x को अलग अलग करके सॉल्व करते हैं, तो जब ये दोनों मेथड नहीं लग पाते हैं तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। इसके भी तीन केस हैं, अलग अलग तीन केसेस हैं होमोजीनियस फॉर्म को, जब उसको हम इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं होमोजीनियस फॉर्म को, अभी आगे हम उसको बताएंगे कि कैसे करना है। फिर इसके बाद है लीनियर इक्वेशन, अभी जो इक्वेशन लिखी है तो लीनियर इनसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट, यही चार मेथड हैं आपके लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन ही ज़्यादातर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है, इसको आप ज़्यादा गौर कर से पढ़िएगा क्योंकि इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसी को आपको सॉल्व करना है, आईएफ जिसे बोलते हैं उससे आपको ये इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो द गिवन इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है, तो एफ एक्स वाई वेरिएबल सेपरेबल फंक्शन है, तो इसमें एफ एक्स एफ वन एक्स एफ टू वाई है, इस तरीके से करेंगे डी वाई वाई डी एक्स एफ वन एक्स, आपको अलग अलग दिख रहे होंगे तो अलग अलग आप उसको करके डी वाई वाई डी एक्स के साथ उसको ले आएंगे एफ वन एक्स को, फिर दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो वी गेट इस तरीके की इक्वेशन हमें मिल जाएगी कि डी वाई अपॉन एफ टू वाई एफ टू वन एक्स, ठीक है, तो इस तरीके की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। फिर आगे चलते हैं, वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट विच इज़ द सोल्यूशन ऑफ डी वाई वाई डी एस एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको द मैटर इज फाइंडिंग, तो एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डी वाई वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स वाई, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, डी वाई वाई डी एक्स इक्वस टू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन ई की पावर वाई e की पावर x इंटू डी एक्स, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इंट्रीगेशन कर देंगे, इंट्रीगेट करेंगे, जैसे इंट्रीगेट करेंगे तो ये e की पावर क्या हो जाएगा, माइनस वाई के फॉर्म में चला जाएगा और dy हो जाएगा और ये इक्वल्स टू e की पावर x dx है,
तो ये तो e की पावर x प्लस सी आ जाएगा यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा e की पावर माइनस वाई माइनस का। तो इस तरीके से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और सोल्यूशन देखिए उसने दे भी रखा है, तो इक्वेशन dy बाई डी एक्स है, e की पावर माइनस वाई डी वाई अलग कर दिया e की पावर x, ठीक है, e की पावर x dy वाई इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड, ठीक है। इस तरह डिफ्रेंशिएट करके आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, e की पावर x प्लस e की पावर y प्लस c करके, ठीक है। द सोल्यूशन इज दिस। फिर आगे एक क्वेश्चन है, सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको हम ओपन आउट कर लेंगे। यहाँ से x देखिए कॉमन हो रहा है, इस वाले पार्ट से x पूरा कॉमन हो जाएगा, और इस वाले पार्ट से y, और उसको इधर ले जाएंगे निगेटिव साइन करके, y को अलग लिख लेंगे और x को अलग लिख लेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कर लिया, फिर उसको अलग अलग करके सॉल्व कर दिया। देखिए यहाँ से अलग अलग करके उसको हमने सॉल्व कर देंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। और जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो लॉग आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम टी मान लेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन को आप टी मानेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आपके एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी बाई टू। तो ये वो यहाँ रख देंगे डी टू बाई, या टू एक्स डी एक्स पूरा ही दिख रहा है यहाँ से, तो निकालने की जरूरत नहीं, टू एक्स डी एक्स की जगह हम सीधा सीधा डी टी रख देंगे। तो ये हो जाएगा डी टी बाई टी, यानी लॉग टी। लॉग टी का मतलब होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी लॉग टी हो जाएगा, तो माइनस वन प्लस फाइव स्क्वायर प्लस लॉग सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होने के बाद ये इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा बेटा, ठीक। लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर लॉग वन वाई, और ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। लॉग का टर्म था, लॉग एम प्लस लॉग एन की वैल्यू होती है लॉग एम एन इक्वल्स टू लॉग सी, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। सॉल्व सेम इसी तरीके से करेंगे, अलग अलग कर देंगे। जैसे ही हम लोग अलग अलग करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर x प्लस वन वाई डी एक्स है, तो हमने इसको अलग कर दिया, y के टर्म को अलग कर दिया और इसके टर्म को अलग कर दिया, ठीक है। उसमें y प्लस वन कर देंगे। सॉल्व करने का तरीका ये है, तो y प्लस वन वाई माइनस वन, उसी प्रकार e की पावर x में भी माइनस वन माइनस e की पावर x से माइनस वन, और अलग अलग फिर डिवाइड कर देंगे, जैसा आप इंटीग्रेशन में कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं इंटीग्रल में इस तरीके से। ये हो गया आपका, और ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा इस तरीके से। हम इसको सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो वो ही मेथड है जैसे आप इंटीग्रल में कर रहे हैं, उसी तरह आप इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, व्हाट इज़ द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, अब आप इसको वेरिएबल और सेपरेबल से नहीं कर पाएंगे, y x से अलग हो जाएगा, x y से अलग हो जाएगा। तो पहले हम चेक करेंगे कि हमारी इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, या तो उसमें एक लैम्डा रखकर x की जगह लैम्डा x रख दीजिए, y की जगह लैम्डा y रख दीजिए, और हम उस इक्वेशन को चेक कर लेंगे कि वो होमोजीनियस है या नहीं है। अगर होमोजीनियस होगी तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, और अगर नहीं होगी तो फिर वो सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो होमोजीनियस फंक्शंस, तो डिफिनेशन क्या है, फंक्शन इस होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री ऑर्डर n है। तो देखिए यहाँ पर x जगह के एक्स और के वाई रखे, k की पावर n, और यही फंक्शन वापस आ रहा है, तो ये हमारा होमोजीनियस हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा होमोजीनियस हो जा रहा है। तो y बाई एक्स का फंक्शन है, तो x की पावर n g y बाई एक्स बना के हम उसको सॉल्व कर लेंगे। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n है, y की पावर n, इस तरीके से उसको हम सॉल्व कर, एक एग्जांपल से समझ लीजिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब उसको अगर डायरेक्ट देखना है कि होमोजीनियस है तो नहीं, तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो ये होमोजीनियस है कि नहीं। देखिए यहाँ x की डिग्री 2 है, y की डिग्री 1 है, पावर 1 है, तो 2 प्लस 1 3 ये भी है, ये भी 1 और 2 3 है, तो दोनों ही टर्म हमारे 3 3 हैं, इसलिए ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 3 का। होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 3 का, आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, x की जगह आप के एक्स रख दिया और के वाई रख दिया, जैसे ही रखा तो देखिए वही ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाएगा, k कॉमन लेके।
तो k क्यूब हमने कॉमन ले लिया, तो 4x² + 2xy² वापस आ गया। इस समय तो इसका मतलब है कि ये हमारा होमोजीनियस है। जैसे कि मान लीजिए आपको इक्वेशन दे रखी है fx, y पर, क्या दे रखी है, x² + y² / xy, इस तरीके की। ये होमोजीनियस है या नहीं इसको अगर हमें चेक करना है तो हम x की जगह लैम्डा रख दें, λ² x² λ² y² हो जाएगा अपॉन λ x एंड λ y। तो यहाँ से λ² कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² + y² और यहाँ से जो हम λ² कॉमन ले लेंगे वो भी xy आ जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन बन गया, ये λ से λ, तो ये भी एक होमोजीनियस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम होमोजीनियस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो fxy इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, उसको क्या करेंगे कि y की जगह पुट आउट कर देंगे vx। अगर y की जगह हम vx पुट कर देंगे, जैसे y लिखा है तो y = vx लिख के इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy/dx = v + x dv/dx। यहाँ v इज आल्सो इज अ फंक्शन ऑफ x है, यहाँ v भी जो हमारा है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, x पर डिपेंड कर रहा है, यानी x एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो डिफिनीशन ये है, सेम चीज़ है, सेट टू बी होमोजीनियस फंक्शन। एग्जाम्पल के रूप में आप इस तरीके से ले सकते हो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एट एक्स एंड वाई, ठीक है। जनरल सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा होमोजीनियस जो भी हमने करके दिखाया है, इस तरीके से हम y मान लेंगे यहाँ पे y/x, यानी y को हमने vx माना है, तो y/x v हो जाएगा, y = vx, उसको डिफरेंशिएट किया, dy/dx = v + x dv/dx, और इक्वेशंस पे हम पुट आउट करके फिर वेरिएबल सेपरेबल v को अलग कर देंगे और x को अलग करके वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इंटीग्रेट करके हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता चला जाएगा। ये एक एग्जाम्पल टाइप का आपको दे रखा है, fxy इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, तो ये डिग्री कितनी हो जाएगी, 2+1 3 डिग्री की हो जाएगी, ठीक है। सोल्यूशन इसका निकालते हैं, गिवन द इक्वेशन dy/dx, ये इक्वेशन 1 हो गई, लेट y = vx मान लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx v + x dv/dx आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 v + x। अब dy/dx की जगह हम ये रख देंगे v + x dv/dx और x² रहने देंगे, y की जगह वही v² x² रख देंगे, 2x vx हो जाएगा। तो v के टर्म अलग कर लेंगे और x के टर्म हम अलग कर लेंगे, ये v इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस तरीके से v अलग हो गया। अब इंटीग्रेट कर दिया ऑन बोथ द साइड, जैसे इंटीग्रेट करेंगे ये आ जाएगा, हम 1 - v² को t मान लेंगे, यहाँ तो ये ln x का ही है, तो यहाँ से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो log 1 - v² आ जाएगा, ये -log x + log c आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा x² - y² = cx। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, x² - y² dx, xy dy है, उसका भी सोल्यूशन इसी तरह होगा, ठीक है। dy/dx x² - y² = xy, लेट y = vx, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ द साइड, जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन सॉल्व होकर आ जाएगा, dy/dx 1 - v² करके ये हम सॉल्व करते चले जाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि ये अलग अलग हो गए हैं, फिर इंटीग्रेट इसको कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो -4v dy/dx - 4y x हो जाएगा, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 - 2v² हो गया। 4 से क्यों किया है मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे 1 - 2v है, तो 2 है, इसको 4 बनाना है, तो 4 कर देंगे, इधर भी 4 कर देंगे, तो इससे हमारा लॉग में आ जाएगा और ये हमारा सॉल्व होके क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। x² - 2x² y = c। अब इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, तो ये अलग मेथड से इनमें क्या करने हैं कि इसमें 3 केस बनेंगे अलग अलग, तो उसको ज़रा देख लेते हैं। अब हम रिड्यूस करना है हमें, अभी होमोजीनियस है नहीं, उसको होमोजीनियस फॉर्म में बनाना है। तो कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन मान लीजिए है आपके पास, dy/dx = ax + by,
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डी ए डैश एक्स बी डैश वाई प्लस सी डैश, इस टाइप के अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। केस वन है, जब ए डैश प्लस बी यानी ये ए डैश और ये बी इसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो हम डी वाई बाई डी एक्स में प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ दी टर्म कर देंगे, जैसे ही आ जाएगा। केस टू में क्या होगा कि ए अपॉन ए डैश इक्वल्स टू बी अपॉन बी डैश, इस टाइप का अगर आपका आ जाए तो भी हम उसको 1/k एक सेम रेशियो लेके ए डैश की वैल्यू ए के रख देंगे, बी डैश की वैल्यू बी के इक्वेशन में रख के सॉल्व कर लेंगे, कॉमन आ जाएगा। फिर हम उसको अलग अलग वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर ये थर्ड केस इंपॉर्टेंट है, ये केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जब ये दोनों कंडीशन लागू नहीं होने वाला है, ए डैश बी डज नॉट इक्वल टू जीरो मिल जाए। पहले केस में ए डैश बी जीरो मिल रहा था तो हमारा आसानी से क्वेश्चन होमोजीनियस बन जा रहा था, और जब एक अपॉन ए डैश इक्वल टू बी अपॉन बी डैश था तब भी हमारा होमोजीनियस बन रहा था। जब ये दोनों ही केसेस नहीं बनेंगे तब जो कांस्टेंट टर्म होगा, यानी हम तब एक्स को एक्स प्लस एच मान लेंगे, वाई को वाई प्लस के मान लेंगे, और इस तरीके से डी एक्स की जगह कैपिटल डी एक्स हो जाएगा, डी वाई की जगह, यहाँ एच और के आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, इनकी वैल्यू हम इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाल लेंगे। और डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स की जगह हमने एक्स प्लस एच रख दिया, वाई की जगह वाई प्लस के रख दिया। जैसे रखेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई ए एच बी के प्लस सी, अब इस इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के चूज एच एन के सच दैट, तो जब हम इसको दोनों को इक्वल टू जीरो मान लेते हैं अपनी इक्वेशन, तो हमारी इक्वेशन जो होगी इस तरीके से रिड्यूस होकर बन जाएगी, जब इन दोनों को हमने दोनों ही को ही जीरो मान लिया। जैसे ही जीरो माना तो हमारी इक्वेशन ये बन गई, और फिर हम उनको सॉल्व करके दोनों इक्वेशंस को, अब एक्स की जगह एक्स माइनस एच रख देंगे और वाई की जगह वाई माइनस के रख देंगे, कैपिटल वाई और एक्स की जगह, उससे हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अब ये डी वाई बाई डी एक्स दिया रखा है, यहाँ देखिए यहाँ ए की वैल्यू है 1 और बी डैश की वैल्यू, ए डैश की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है। तो ए डैश पहला केस है, पहले केस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, केस 1 फर्स्ट है। तो केस फर्स्ट देखिए क्या है, सोल्यूशन निकालेंगे, गिवन इक्वेशन इज ये दे रखा है, तो यहाँ पर जरा गौर करिए, कंपेयर कर दिया ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू, तो ए डैश बी निकाला तो ये हमारा जीरो आ गया केस वन। तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो डी वाई को टर्म उधर ले गए और डी एक्स के टर्म को हम इधर ले जाएंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये अलग अलग हो जाएगा एक्स डी वाई वाई डी एक्स, जब इस टाइप का आएगा तो इस तरीके से कुछ ना कुछ बनेगा ही, ठीक है। तो एक्स और टाइम अलग हो गया, ये टर्म अलग हो गया और ये टर्म अलग हो गया, और सीधा सीधा हमारा सॉल्व हो जाएगा, वो हो जाएगा डी एक्स वाई वाई माइनस वाई, और इसको फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये एक्स वाई बन जाएगा, ये हमारा एक्स वाई बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वाई बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कांस्टेंट टर्म का ये इक्वेशन आ जाएगी, इस तरीके से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन दे देखते हैं, सोल्यूशन इसका क्या है। तो द गिवन इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स सिक्स एक्स प्लस फाइव वाई प्लस वाई सेवन है, और 2x प्लस 18y माइनस 14 है, तो ये देखिए इस तरीके से होता चला जाएगा। और फिर यहाँ a डैश b की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है, और ये भी डज नॉट इक्वल टू है, तो थर्ड केस यहाँ पर लगेगा। थर्ड केस में क्या करेंगे, x की जगह x प्लस एच रख देंगे और y की जगह हम क्या रख देंगे, y प्लस के, देन dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब कैपिटल dy वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में बन जाएगा। और फिर हम उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 6x प्लस एच हो जाएगा y के, और ये 7 और ये माइनस 14, तो एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x और k में। इस इन दोनों को हम इक्वल्स टू जीरो लेकर सॉल्व कर लेंगे, जैसे ही जीरो लेकर सॉल्व करेंगे उससे हमें h और k की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे ही हमने सॉल्व किया दिस इक्वेशन वी गेट, तो h और k की हमें वैल्यू मिल जाएगी। वो h और k की वैल्यू क्या होगी, बस सीधा है, यहाँ से v प्लस एक्स, अब जो बचा हुआ पार्ट था उसको हमने y इक्वल्स टू वी एक्स से मान लिया, क्योंकि ये होमोजीनियस बन गई है, दोनों की डिग्री 1 है तो होमोजीनियस बन गई है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर dy वाई बाई डी एक्स को मान लिया, v प्लस एक्स यहाँ पर रख दिया, यहाँ से v v अलग कर लेंगे, और जैसे ही v v अलग हो जाएंगे तो ये हमारा इक्वेशन जो बन जाएगी इस तरीके से बन जाएगी।
ठीक है। तो ये तो ln x हो गया, ये 2 प्लस 18 वी x 6 वी, तो ये px प्लस q फॉर्म वाली क्वेश्चंस बन गई हैं, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसके फैक्टर हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव से भी सॉल्व कर सकते हो। पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल फ्रैक्शन से हम सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन ए अपॉन समथिंग मानेंगे तो ए और बी की वैल्यू 6 और 2 आ रही है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और फिर इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद हमारा ये बन गया ln, ये भी ln हो जाएगा, ये भी ln हो जाएगा, log c हो जाएगा। जब सब में log आ रहा है तो आप कांस्टेंट में भी log ही लगा दीजिए, उससे आसान हो जाता है सोल्यूशन लिखने में। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और x जो कैपिटल x था उसकी वैल्यू x माइनस h और y माइनस k, तो h और k की वैल्यू हमने इक्वेशन सॉल्व करके निकाली थी, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। बस इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ होमोजीनियस है। अब इसके आगे जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म आएगी, तो हम उस तरीके से उसको आगे करेंगे और उसको देखते रहेंगे और बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे बेटा कि होमोजीनियस फॉर्म को तीन केसेस से हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बनाएंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म आप देख रहे हो ये होती है dy वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये लीनियर डिफरेंशियल की फॉर्म हो जाएगी। अब इस टाइप की जब आपको इक्वेशन मिले, जैसे मान लीजिए आपको इक्वेशन मिल रही है dy वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू, या क्यू या क्यू के किसी भी फॉर्म में हमें मिल जाए, इस टाइप की कोई भी इक्वेशन अगर हमें मिल जाए, मान लीजिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर इस टाइप की कुछ भी इक्वेशन मिल जाएगी, तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि एक्स स्क्वायर हमें मिल जाए यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर हमें मिल गया, तो जब हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे कि ये देखो लीनियर डिफरेंशियल की फॉर्म है, तो हमें यहाँ पर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होगा, ई की पावर इंटीग्रेट पी डी एक्स। तो हम कंपेयर कर देंगे, जैसे इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारा पी की वैल्यू हो जाएगी एक्स और क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर। बस इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पर जो क्यू है वो फ्री फ्रॉम वाई होगा, जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो उससे फ्री होना चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, पर डिपेंडेंट वेरिएबल या कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है क्यू की वैल्यू, उससे फ्री होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वाई जो है, ये जो क्यू है इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रॉम फ्री होना, फ्री फ्रॉम वाई होना चाहिए, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पी एक्स हो जाएगा, क्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे जिसे हम बोलेंगे आई एफ। वो क्या होगा, ई की पावर रूट पी डी एक्स। तो ई की पावर रूट पी डी एक्स हो जाएगा, फिर हम इंटीग्रेट पी डी एक्स हो जाएगा, रूट नहीं, तो ई की पावर इंटीग्रेट पी की वैल्यू हमारी एक्स है, एक्स डी एक्स हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ई की पावर एक्स, क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय टू आ जाएगा। तो इसी तरह फिर हम इसको इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो देखिए क्या है वो उसका सोल्यूशन और किस तरीके निकालेंगे, तो जरा आगे हम उसको देख लेते हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको जो बोलते हैं हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म हो जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी हमारी, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू इस कार्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जिस तरीके का हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस तरीके का हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो ये हमारा नोट वन है। नोट टू हमारा क्या है, ये इस तरीके से हम देखेंगे कि जब हमें मिल जाएगा तो हम उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन से पी और क्यू को निकाल लेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से जब हम पी निकाल लेंगे, तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन से हम पी निकाल लेंगे, तो पी से हम फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो हमारा सोल्यूशन आएगा,
तो जो हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। तो ये हमारा वो हो जाएगा, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डी वाई लिखा है, ये डी एक्स यहाँ पर एक्स पर दे दिया है, जबकि सोल्यूशन हमारा अगर डिफरेंशियल इक्वेशन वाई की है तो तब हमारा सोल्यूशन क्या बन जाएगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। तो ये आ जाएगा आपका, और डी एक्स कर दीजिए इसको, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स पी वाई वाई इंटू ई एफ, अगर डी एक्स बाई डी वाई होगा तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ये डी, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बाई डी एक्स, तो यहाँ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटू, जब इक्वेशन डी एक्स बाई डी वाई में हो जाए तो यहाँ q जो हो जाएगा फ्री फ्रॉम x हो जाएगा, तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा q उससे फ्री होगा, और ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन एक ले लेते हैं, कह रहा है क्वेश्चन वन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई बाई एक्स अपॉन इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर। तो जरा यहाँ पर गौर करिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कंपेयर कर लीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो ये हमारा हो गया, यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी टू बाय एक्स, यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी टू बाई एक्स आ जाएगी, और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी टू अपॉन टू एक्स स्क्वायर। तो पी की वैल्यू हो गई टू बाई एक्स, क्यू की वैल्यू हो गई टू एक्स स्क्वायर। अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें आई एफ, वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स, क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वेशन है, तो ई इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वन बाई एक्स का एल एन एक्स होता है, तो ये हो गया ई टू एल एन एक्स, तो टू टू को उधर ले लीजिए, एम लॉग एन को एम लॉग में चेंज कर दीजिए, तो ई एल एन एक्स स्क्वायर, तो ई से एल एन की वैल्यू वन हो जाएगी, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई एक्स स्क्वायर। तो आई एफ हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। आई एफ अगर हमारा एक्स स्क्वायर आ गया तो हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सोल्यूशन हमारा क्या बनेगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो y हमारा y रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x स्क्वायर का, q की वैल्यू है 2x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, ये बन जाएगा हमारा 2, ये हमारा हो जाएगा 2x की पावर 4 डी एक्स प्लस सी। तो इसको कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y x स्क्वायर, ये 2x की पावर 5 बाई 5 प्लस सी। तो ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा, चाहे तो x स्क्वायर से इसको पूरे को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा y क्या हो जाएगा, 2 बाई 5 एक्स क्यूब प्लस सी एक्स की पावर माइनस 2। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा इसका। इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेटिंग सेक्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें सोल्यूशन दे रखा है, तो जरा हम इसका सोल्यूशन, तो इस तरीके से हम इसको सोल्यूशन कर देंगे। तो यही हमारा सॉल्व हो गया, ई की पावर 2 पी डी एक्स आ गया, ई की पावर 2 रूट एक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको, तो e की पावर 2 log x बना, तो e की पावर log x स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, ठीक है। dy वाई बाई डी एक्स ये इक्वेशन वन से, तो क्या बन गया ये 2x स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हमारा इक्वेशन बन के आ गई, y इंटू एक्स स्क्वायर 2 बाई एक्स, 2 की पावर x की पावर 5 प्लस c। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होकर आ गया, dy बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके ये हमारा आंसर आ गया, y इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस c। तो ये इस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स 2xy माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसको भी हम कंपेयर करेंगे उसी तरीके से। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, वही अपनी इक्वेशन क्या होगी इस फॉर्म में, जो हमारी इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स फ्री है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम डिवाइड कर देंगे। तो इसका जरा सोल्यूशन देखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम जैसे डिवाइड करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और यहाँ पर 4x स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू हो गई q की, और ये जो वैल्यू हो गई ये हमारा हो गया p। ठीक है, कंपेयर करने पर ये p बन गया और ये हमारा q बन गया। ठीक है, तो जरा इसको सॉल्व कर लो, तो ये हमारा इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। तो इससे कंपेयर कर लिया, तो लीनियर इक्वेशन इन y है, तो e की पावर p dx निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, e इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या मान लो, यहाँ पे t मान के सॉल्व कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये आ जाएगा log, इसको जैसे ही आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानोगे तो ये 2x dx इक्वल्स टू, यहाँ पर dx लिखा होगा तो 2x dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dt, इसको हमने अगर t मान लिया तो ये बन जाएगा हमारा क्या, e इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा 1/t dt हो जाएगा। तो e की पावर lnt हो गया, lnt की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही इसमें लिखी है, e से ln चला जाएगा तो ये बन जाएगा 1x 1 बन जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी पास क्या आ गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरीके से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। फिर इसके आगे हम वही काम करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें तो कैसे निकालेंगे हम देख लीजिए। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम चेक करें तो ये यहाँ से हम जब निकालेंगे तो ये आ गया हमारा IF, ये हमारा IF हो गया, ये हमारा IF हो गया। तो y इंटू IF कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q हमारा कितना है, q है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो q जो है हमारा है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा प्लस c। ठीक है, प्लस सी, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो ये बचेगा वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 4x स्क्वायर का हो जाएगा 4x क्यूब बाय 3 प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4 बाय 3 एक्स क्यूब प्लस सी, ये हमारा सॉल्व होने के बाद आंसर आ जाएगा इस तरीके से, वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो उसी तरीके से इसको धीरे से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो अलग से वो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में दिखा दिया है, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन में। तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर बाई 3 प्लस सी। ठीक है, तो नेक्स्ट है बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन को किस तरह, बर्नौली इक्वेशन में क्या होगा, जैसे q हमारा जो दे रखा था वो फ्री फॉर्म था आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर q के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हम उसको फ्री करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। तो बर्नौली इक्वेशंस को हम किस तरह करते हैं, जरा देखते हैं बर्नौली इक्वेशन। तो
तो बर्नौली क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स पी इंटू वाई, यहाँ देखिए क्यू वाई की पावर एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस वाई की पावर एन को फ्री करेंगे, यानी वाई की पावर एन से हम डिवाइड कर देंगे। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा वन अपॉन वाई की पावर एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस, तो वाई से एक वाई चला जाएगा तो ये वन वाई की पावर एन माइनस वन इंटू पी, ये p हो जाएगा इक्वल्स टू q आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे, 1 अपॉन y n माइनस वन को अगर हम t मान लें, ठीक है, और इसको हम कर दें डिफ्रेंशिएट, और जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y की पावर n माइनस वन है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, y की पावर n माइनस वन है तो माइनस वन की पावर y बाई n हो जाएगा, माइनस वन की पावर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा, यानी कि वन अपॉन वाई की पावर डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, इतनी जगह पे माइनस डी टी। तो जैसे हम रख देंगे माइनस डी टी और यहाँ पर वन अपॉन वाई माइनस की जगह टी पी हो जाएगा, और यहाँ पर जो क्यू है वो क्यू ही रहेगा, ठीक है। तो और यहाँ से माइनस डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स के अनुसार कर लोगे तो ये t हो गया y की पावर n माइनस वन, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डी टी बाई डी एक्स माइनस पी टी इक्वस टू माइनस क्यू। तो ये इक्वेशन फिर लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगी, ये इक्वेशन किसमें चेंज हो जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। सेम काम यहाँ बर्नौली में हम वही करेंगे, y की पावर n से डिफरेंशिएट किया, ये इक्वेशन नंबर वन हमारी बन गई डिफरेंशिएशन के बाद कि डी वाई बाई डी एक्स वन अपॉन वाई की पावर एन प्लस पी वन अपॉन वाई माइनस वन इक्वल्स टू क्यू आ गया, ठीक है। तो वन अपॉन वाई माइनस वन को हमने वही वी या टी जो भी मानना हो, मान लीजिए एन माइनस वन वाई की पावर एन डी वाई बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर वन अपॉन वाई माइनस एन वन अपॉन वन माइनस एन डी वी बाई डी एक्स बन जाएगा। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैंने उधर वाई की पावर एन लिख दिया था तो एन माइनस वन भी आएगा, तो एन माइनस वन y की पावर n dy वाई बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो वन अपॉन वाई बाई एन डी वाई बाई डी एक्स वन अपॉन वन माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स। तो ये इस तरीके की इक्वेशन, अब वन माइनस एन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी वी बाई डी एक्स वन माइनस एन पी वी वन माइनस एन इंटू क्यू हो जाएगा। तो अब जो है इक्वेशन v के फॉर्म में आ गई, और इतना जो पोर्शन होगा वो हमारा p बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन वी कैन बी सॉल्व हम कर ले जाएंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे लिखा है डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ वन अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर भी है, तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर से पूरे क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही वाई स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम वन अपॉन वाई को टी मान लेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वाई की पावर माइनस टू एन माइनस वन, वाई की पावर माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन वाई की पावर माइनस वन वन माइनस टू, तो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसकी जगह हम माइनस डी टी बाई डी एक्स रख देंगे, तो जैसे ही माइनस डी टी बाई डी एक्स रखेंगे तो ये वैल्यू हो गई हमारी माइनस डी टी बाई डी एक्स, तो माइनस डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स प्लस वन बाई वाई की जगह हमने टी एक्स रख दिया इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी वो किस फॉर्म में बन गई, डी टी बाई डी एक्स माइनस टी एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई एक्स टी के फॉर्म में। तो इसको तो हम एक्स टी की तरह लिख दे रहे हैं, तो ये एक्स टी के फॉर्म में बन गई हमारी, ठीक है, एक्स टी, ठीक। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर अब p की जो वैल्यू हो गई वो हो गई माइनस एक्स, p की वैल्यू हो गई माइनस एक्स, और q की वैल्यू हो गई माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल लो, माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो माइनस एक्स डी एक्स का मतलब होगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू। तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, एक तो ये हो गया, ठीक है। तो इसके बाद फिर सोल्यूशन निकाल देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ये हमारा आ गया, इसके बाद हम सोल्यूशन निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन इक्वेशन t में है तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पे t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये बन जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर बाय टू, ठीक है। तो यहाँ डी टी चल रहा है डी एक्स बाई, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वस टू क्यू की वैल्यू है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है, यही होगा, डिवाइड कर दिया अब बाई वाई स्क्वायर, तो ये हमारा इक्वेशन बन गई इस तरीके से, ठीक है। फिर हमने 1 बाई वाई को t मान लिया, तो ये हमारा 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी टी ट्यू बन गया, और फ्रॉम 1 और 2 से हमने इसको इस तरीके की इक्वेशन बना दी। तो t यहाँ 1 बाई एक्स है, t की वैल्यू यहाँ 1 बाई एक्स होगी, तो t की वैल्यू है 1 बाई एक्स, ओके, ये 1 बाई एक्स होगी, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ आ गया है, तो इसको 1 बाई एक्स की तरह लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा p जो बन गया क्या, वो बन गया 1 बाई एक्स, और जो q बन गया वो बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में है तो माइनस ले लो, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस 1 बाई एक्स और q की वैल्यू माइनस। अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो हो जाएगा e की पावर p dx, यानी e की पावर माइनस वन बाई एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस ln mod x आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम इस तरह e की पावर ln x की पावर माइनस वन, तो ये हमारे पास वन बाई एक्स, ये हमारा if आ गया, वन बाई एक्स हमारा if आ गया। तो अब हमारा जो सोल्यूशन बनेगा, तो जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो t तो हमारा t ही है, t को भी हम t की तरह यूज़ करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा 1 बाई एक्स, तो ये भी हो जाएगा हमारा q कितना है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स प्लस सी। तो t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, t की वैल्यू हमने मानी थी 1 बाई वाई, t की जो वैल्यू मानी थी वो हमने क्या मानी थी, वो मानी थी 1 बाई वाई, तो t की जगह हम 1 बाई वाई रख देंगे, तो ये बन गया 1 बाई वाई एक्स, और यहाँ से ये बन जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी, ठीक है, डी एक्स प्लस सी बन जाएगा। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री है तो प्लस वन, माइनस टू और माइनस टू नीचे होगा, तो माइनस टू से ये माइनस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन अपॉन टू, और ये हमारा आ जाएगा वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सी वन अपॉन वाई एक्स। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा, 1 अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x की पावर माइनस थ्री प्लस वन करेंगे, माइनस टू से माइनस माइनस चला जाएगा, तो 1 बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया, तो ये सोल्यूशन बन गया, माइनस वन बाई एक्स डी वाई एक्स लॉग एक्स, तो वन बाई एक्स आ गया, और हमने इसको सॉल्व किया, तो 1 अपॉन एक्स वाई वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बर्नौली इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, बर्नौली इक्वेशन के बाद उसके अपनी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देख लिया है कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा।
तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपके सीबीएसई और जेई में जितना भी सिलेबस आना है उसका पूरा पोर्शन हमने आपको करके दिखा दिया है। ये एक वन शॉट है। अब इससे पिछले साल में आए हुए जेई के जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ तक देखने के लिए, पूरा पूरा वन शॉट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, कमेंट्स भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।